वैसे तुम लोग वाकई बहुत चलाक हो, दोनों अकेले जा रही हो तैयार होने के लिए और मैं यहाँ अकेली बैठी रह जाऊंगी। ओफो, तो तुझे कहा तो है कि अपना ब्राइडल ड्रेस साथ रख ले, वहीं जाके तैयार हो जाना, वहीं से तुझे फैसल भाई के घर छोड़ देंगे। देखा, वैसे ये प्यारा नहीं है, देख रही हूँ ना, मारती क्यों है? एक तो जा रही है ऊपर से फिर भी मार रही है। अरे अब्बा जी, हाय अल्लाह अब्बा, मैं भी तो दीरानी हूँ आपके। ओए तू तो इधर ही है ना, ये तो अपने अब्बा को छोड़ के जा रही है। अब्बा जी ऐसी बातें ना करें ना, बात बात पे तो तसल्ली आने लगती है। चुप कर जा, फिर रो पड़े। अब्बा जी आप भी तो रो रहे हैं। अच्छा मैं रो रहा हूँ? मैंने तो कसम खाई थी कि मैं नहीं रोऊंगा। बेटा देख, भूल चूक मैं मुझसे कोई गलती हो गई हो, कोई मैंने ये डांट डोट दिया हो, तेरा दिल दुखाया हो, पुत्र मुझे माफ कर दे। ये तो बेईमानी है ना, आप दोनों ही रोने लग गए। बाजी, मेरे तो बाप भी आप है, माँ भी आप है, और सबसे अच्छी सहेली भी आप है। बोला आपसे क्या कमी रह सकती है, कोई कमी नहीं छोड़ी आप। मैं कब रो रहा हूँ पुत्र, मैं कब रो रहा हूँ, ये तो रुक ही नहीं रहे। हम मंडवट कर निकल रहे हैं बेटा। नहीं पुत्र, कोई हसरत लेके न जा, जो कहना साफ साफ कह देना, घबराना ना बेटा। मैंने तेरी दादी से कह दिया वो शादी के लिए तेरे जाने की इजाजत मांग लेगी टेलीफोन। सच अब्बा, अब मजा आएगा। अगर ये भी गई ना तो हम ना बाहर तैयार होने नहीं जाएंगे, यहीं तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अब रोना बंद करना। चल शादी में चलती, अब तो हंस ले। सर बेटा, ये कुछ पैसे हैं सत्ती के, ये गरीब को दे देना। अच्छा माँ जी, अगर उसकी शादी है तो क्या हुआ? हर बहन का अरमान होता है कि वो अपने भाई की बारात लेकर जाए। ना पुत्र शमशा, दुनिया क्या कहेगी, लोग ना सौ सौ तरह की बातें बनाएंगे। मैंने तो जारा को साफ मना कर दिया कि तू माइयों बैठी है, तू अहमद की बारात पे बिल्कुल नहीं जा सकती। माँ जी आप क्यों दखियानूसी बातें कर रही हैं? आप प्लीज जारा को साथ लेकर आएंगी। ना पुत्र, बुरा लगता है, लड़की मायो बैठी है तो बाहर निकले ना तो रोक नहीं चढ़ता। मैंने तो जारा साफ मना कर दिया, तू अहमद की बारात पे बिल्कुल नहीं जा सकती, तुम मायो बैठी है। माँ जी वो पुराना दौर था, अब देखे ना सबा भी तो मायो बैठी है ना, पार्लर गई हुई इस वक्त और शॉपिंग के लिए भी गई थी। अच्छा वो तो खैर ठीक है ना, लेकिन देखो ना फैसल, अंसारी, सफिया क्या सोचेंगे, फिर तेरे मिलने जुलने वाले और तेरे जड़े रिश्तेदार ने वो भी तो सोचेंगे ना। मैं आपसे दरखास्त कर रही हूँ, तो आपको लोगों की क्या फिक्र है, आप बस उसको लेकर आएंगी, आपको मेरी कसम। ना पुत्र अपनी कसम ना दे, तू भी थी मेरी दी है। अच्छा मैं जारा को ले आऊंगी, पहले मैं कमाले नाल ते गल कर लूं। मैं कर लूं चौधरी साहब से बात, मेरा कहा तो नहीं टालेंगे ना। ना ना ठीक है, तेरा हुकुम सर आंखों पे, वैसे भी जारा अब तुम्हारी है, हमारे लिए तो पराई हो गई है ना। पर पुत्र एक ध्यान रखी, लोकी ना सड़ सड़ के मर रहे, हम लोग ना टाइम से निकलेंगे, तुम लोग भी वेले सिर पहुंच जाना। अच्छा रब रखा। जी माँ जी, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।
बेड़ा तरे ताड़ा चोट बोल बोल के मेरा तो मुंह रह गया। हाय दादी मेरी प्यारी दादी मस्का ना लाओ। वे सोने दिया कंगड़ा में सादा इको जिया दिल बेड़ा ते दिल मंगना वे सादा इको जिया। अरे छोड़ो हम भी कितनी दफा पंजाब जा चुके हैं। क्या बात है पंजाब की, क्या रवायत क्या तहजीब। लेकिन ये चौधरी के घर वाले तो कुछ ज्यादा ही नहीं मॉडर्न हो गए। इसमें हर्जी क्या है आपा, पहले भी तो फैसल और सुबह एक दूसरे के सामने आते थे। लाख आमने सामने आते हूँ वो पहले की बात थी, अब जारा हमारे घर की बहू है और उसे हमारे घर की रवायत का पास रखना होगा। अगर सभा की बारात पहले होती तो वो भी ये सब कुछ करती। हर बहन की खुशी होती है और ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने भाई की शादी में शरीक हो। अगर आप यूं छोटे छोटे नुक्ते निकालती नहीं तो लोगों के दिलों में बाल आ जाएंगे। सुन रही हो शमसा, हमारी गोदों का पला हुआ बच्चा हमें ही समझा रहा है। अब जाने भी देना आपा, आप ना खुश हुई ना तो हमारी खुशी मान पड़ जाएगी और हमारी खुशी तो आपकी खुशी से ही है ना। पप्पो सभा कल पूरा दिन बाहर थी, ब्यूटी पार्लर गई, शॉपिंग गई, 10 काम करती रही, मान जाए ना प्लीज। बेटा मैं तो मनी मन आई, तुम ना माना जुरू के गुलाम। अच्छा आप जल्दी से तैयार हो जाएं आपा, आप सभा को लड़कियां पार्लर से डायरेक्ट लेकर वहां पहुंच जाएंगी और माँ जी बता रही थी कि वो लोग टाइम पर पहुंचेंगे। आज मेरे कपड़े इस्त्री करा दी थे। हाँ मैं देखती हूँ। हाँ तो मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। हाय मैं कैसे लग रही हूँ, कितना अच्छा मेकअप किया ना उस पार्लर वाली ने। मैंने नहीं पता, मुझे देखने दे मैं कैसे। तू हट ना, मैं तैयार हो चुकी हूँ ना। तो मुझे तो होने दे। ओ क्या बदतमीजी, हटो इधर। अच्छा मुझे बताओ ना, इधर देखो ये बताओ। कार्टून हट, तू बहुत अच्छी लग रही है सारा। इधर बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, छोड़ो इसको। बताया तो है मां जबरदस्त लग रही है। पजामा चेंज करो, मैंने तेरे प्यार से बनाया है इसको, इतना अच्छा लग रहा है। अब क्या होगा, ए कुड़ियों छेती कर लो, बरात आने वाली है। सारा सारा जरा चमकी ला दे, लिप ग्लॉस ना लो, लिप ग्लॉस। आहो हो तू कानों में कुछ पहन ले। हाय दादू तुसी से गजब ढा रहे हो। हैं जल्दी करो, दूल्हा रेडी हो गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह नजर ना लगे। नजर आ पेपे जी, तुम नजर तो ता रखते हो। बिस्मिल्लाह निदा भाबिया लांदियां ने। शुक्र है बच गया मैं। सारा तू रिश्ते में ना सभा की भाभी लगती है। नहीं मैं भी लगवाऊंगी। नहीं चुप करो, पर मैं सुरमा लगाऊंगी तो सुरमा लगवाई भी लूंगी। हमें भी मैं भी लूंगी ना। मैं मुझे लगा ना भाभियां लगाती होती हैं। आंख खोलो भर के लगाई। हाँ क्यों नहीं, चोट ना ला दी जरा आराम। बिस्मिल्लाह मेरी नेक नेक दे ना, ओ भाई नेक दे ना। खुले नहीं है बेटा। ओहो की कर ले। आ, मिल जाएगी नेक। बगैर नेक के गाड़ी में ना बैठने देना इसको। हाँ। अभी वाली तो देना सुनो। हाँ। भाई की हम भी लेंगे। हम भी वो तुम लोग दूसरी लेना, ये वाली मेरी नेक। चलो अरे नहीं भाई नहीं, चलो भाई सारा लाओ। चलिए सर। खुदा का वास्ता जी की हो गया है ते बेबे। चुप कर। सिरा कौन बांधेगा इसको, वो तो बनोई बांधते होते हैं ना। हाँ अब बनोई नहीं तो की करिए। अली किथे गया? अली उतर इधर आना, तू जरा सामने आ। हाँ अली बांधना, तुम्हारा भाई बहन ही तो है, मिलके बांध देते सेरा। हाँ ठीक है ना, अली और सारा दोनों मिलके बांध देते ना, भाई बहन ही है। नहीं नहीं मैं अपने पुत्रों से सेरा खुद बांधूंगा। Hey, 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 h
किस्म की लड़कियां ना तो सख्ती परेशान होगी और दूल्हा को देखा क्या हुलिया बनाया हुआ है। अरे चौधरी फैमिली ने तो हमारी नाकी कटवा दी। निहायत ही बैकवर्ड लोग हैं। इतनी दौलत का फायदा क्या जो सोसाइटी और टाइम के साथ चल ही ना सके। बिल्कुल। और
दूल्हा दूल्हा लग रहा था। अरे लग रहा था कहीं से बैल उठा लाए और उसमें नोटों का हार डाल दिया नुमाइश के लिए, पैसे दिखाने के लिए। शमसा और सिद्दीकी को तो देखे भैया, अगर किसी ने हार डाल भी दिया था किसी पेंडू ने तो कम से कम उसे घर ही छोड़ा दे। हाँ मैं कल नहीं इस बात की। अस्सलाम वालेकुम। ओ खुदाया, इसको और कोई जगह नहीं मिल रही। आ रही हूँ। हाँ ठहरो। मैं तो जरूर बात करूंगी परवीन से उसकी, जरूर। मुझे जाने देंगे आप? आपने मुझे बहुत जुल्म किया है। कैसा जुल्म? आप अपने हुस्न का जलवा दिखाकर यहाँ से चली जाएंगी और हम रात भर कांटों पे लौटते रहेंगे। कांटों पे लौटेंगे ना तभी आपको फूलों की कदर होगी। कदर तो आपकी हमेशा से है, फूल की पंखड़ी की तरह संभाल के रखेंगे आपको। जमाना जोर का गुलाम कहेगा आपको। ये तो हम चाहते हैं कि जमाना हमें आपका गुलाम समझे। जो आ रही मिले आपको? नहीं। मैं लाई। मेरे वाली ज्यादा अच्छी लग रही है। नहीं नहीं, उसका एक जो मॉडलिंग सेंस है ना, मॉडल लगती है। मेहमानों को देख रहे थे, मिल रहे थे। मेहमानों को मिल रहे थे जी? वहाँ क्या हो रहा? अरेंजमेंट्स देख रहा था, वो मुझसे पूछ रही थी जो इन्होंने। देखो बेटा, मैं तुम लोगों से बहुत बड़ी हूँ और मैं समझती हूँ तुम क्या कर रहे थे। तमीज के दायरे में रहो। अरे नहीं 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 नहीं, सलाम, कैसे हैं आप? कितनी रौनक है। हाय, उस लड़की ने क्या किया है? बगैर बाजू के कमीज, कोई नहीं, लोगों को तोबा तोबा। और उसकी देखो ना, जमीन तक लमक रही है कमीज सारी ना। हद है भाई, तोबा, इतनी चलाकी, इतना फैशन, ये लोगों को कोई हया ही नहीं। पकड़ो हमें, क्या बस इस बात का ना। वो ज्यादा नहीं बोलती आप, कभी चुप भी हो जाए कभी। अरे खराब है मुझे लगता है। हाँ तो अजीब ही लोग हैं ये तो, मेरा तो गुजारा नहीं होगा जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अरे आप यहाँ क्यों आ गई? वहाँ चलिए ना, निकाह हो रहा है। नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप अपने इंतजाम वगैरह देखिए। नहीं आप देखिए, माशाल्लाह मेरी बेटी कितनी खूबसूरत लग रही है। माशाल्लाह आपकी बेटी है ही बहुत हसीन, और ऊपर से ससुराल वालों ने जो ज्वेलरी दी है, डायमंड और गोल्ड का ऐसा कॉम्बिनेशन है कि बस 80-90 लाख की तो ज्वेलरी होगी। आप प्लीज तशरीफ रखिए। शुक्रिया।